हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज वाले सेक्शन से पांच महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट है, व्हाट डिड एम हमेल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो एम हमेल ने उसे क्या कहा। तो फ्रेंड्स, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हमेल सा हिम एंड सेड वेरी काइंडली। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हमेल ने उसे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्यूकली लिटिल फ्रेंच, जल्दी जाओ अपने स्थान पर नन्हे फ्रेंच। वी आर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने वाला था। तो फ्रेंड्स, ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी क्या बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, फिरोजाबाद सिटी इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद शहर कांच के वस्तुओं को फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, वहां का हर एक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, वह अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑन साहब। जब अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा तो साहब उसका क्या प्रभाव पड़ा। अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल, अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा। बिकॉज ही डिड नॉट गो टू स्कूल एंड दियर वाज नो स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था और वहां पर कोई स्कूल भी नहीं था। बट ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, लेकिन वह स्कूल जाना चाहता था। व्हेन अनीस जंग टोल्ड दैट, जब अनीस जंग ने उससे बताया, दैट सी विल्ड ए स्कूल, कि वह एक स्कूल बनवाएंगे। व्हेन ही कम दियर, तो क्या तुम पढ़ने आओगे, तो उन्होंने कहा यस। ही सैड यस, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर पढ़ने आऊंगा। व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, लेखक क्यों कहते हैं कि कूड़ा सोना होता है। तो फ्रेंड्स, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, क्योंकि कूड़ा उनके लिए सब कुछ था। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल थिंग इन द गार्बेज, वह कूड़े में कुछ मूल्यवान चीजें खोजते रहते हैं। एंड सेल फॉर योर लिटिल मनी, और उसे बेचकर थोड़ा रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। सो द ऑथर राइटली सेज, इसलिए लेखक सही ही कहता है, दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड फॉर टू रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों के लिए सोना से कम नहीं है। पांचवा प्रश्न, हाउ डीप वाज द फोल, व्हाट डियर इन साइड द वाटर। तो फ्रेंड्स, द पूल वाज 9 feet डीप, जो तालाब था वह 9 feet गहरा था। डियर वाज नथिंग इन साइड द एलोटिंग, वहां पर उसके अंदर कुछ नहीं था पीले रंग का। एवरी वेयर डियर वाज वाटर एंड ओनली वाटर, वहां पर पूल के अंदर प्रत्येक जगह पानी ही पानी था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।